सभी यात्रियों का मुंबई के बोरीवली टर्मिनस पर हार्दिक स्वागत है। सारे लोग, धन्यवाद। शहर तो पंजाब के खेतों से भी ज्यादा हरा भरा लग रहा है। हाँ, लेकिन अपने पैसे संभालना, नहीं तो फसल की तरह कोई उसे भी काट ले जाएगा। सब संभालो, सामान अपन छोड़ देना, सब छोड़ दीजिए। अरे सब छोड़ देगा अपना बैगला, बैगला आज तूफान मेले बैठाता हूँ। ऐसा हो तो पूरे मुंबई नहीं आओ तो आओ। अरे कुली रास्ता क्लियर कर, अब जा, हट हट हट, आओ बैठो। और पागल, कैसा शहर है ये? जाओ कहाँ? अबे ओए, बात क्या? वो ऑटो वाला ठीक लग रहा है। वो ऑटो वाला कम महंगी ज्यादा लग रहा है। बादशाह, ओ बादशाह, जी हम पंजाब से आए, आजाद नगर जाना। ओ तुसी धर्मेंद्र के गांव से आता, आके ऑटो रज्जी से टकराता, अभी देखो मैं तुमको कैसा पहुँचाता। बैठो, मैं ऑटो वाला, ऑटो वाला मंजिल तक पहुँचाने वाला, सबके काम में आने वाला ऑटो वाला। जय रजनी देवा। भाई साहब, ये आपकी ऑटो तो बड़ी अच्छी है, पर ये क्या फोटो लगा रखी है आपने हर जगह रजनीकांत की? ऐ अपन को जो चाहे कहना, रजनी देवा का नाम इज्जत से लेना। ये ऑटो रजनी देवा के नाम से आई, 2 साल से करता अपन इसी से कमाई, एंड भगवान रजनी। अच्छा तो फिर 2 साल पहले क्या करते थे? अपना भी एक जमाना था, डेंजर रजनी नाम पुराना था, पॉलिटिक्स की हवा गैंग को ऐसा लग गया, पूरा गैंग आउटलाइन में जाकर नेता बन गया, मगर अपना अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराया। पॉलिटिक्स से काम कर दिया रिजेक्ट, ऑटो काम कर लिया सिलेक्ट। जय रजनी देवा। लेकिन आपने अपने मीटर पर कपड़ा क्यों बांधा है? ओ बादशाह, पेट्रोल का दाम बढ़ता लीटर के हिसाब से, ऑटो वाला कैसे चलाएगा मीटर के हिसाब से? ये तो बेईमानी है, आप ग्राहकों को लूटते हो। तुम हमको बेईमान चोर डाकू बोलता है? देखो आजाद नगर का रेट फिक्स है, मेरा बाड़ा 66 है, देता है तो चलता है, नहीं तो तुम इधर ही उतरता है। बोलो क्या बोलता है? हाँ हम समझते हैं, आप चलिए। सिस्टर से मिस्टर समझदार है। चलो भाई चलो, जल्दी करो जल्दी करो, तुम लोग बलराज नंदा की नाक कटवाओगे। यही पड़ा पहन दे टके, पागल कर दिया। हेलो, हाँ जी बलराज नंदा बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर रखो थे, दिमाग खराब कर दिया है सबने। ओ भाई मेरी सुपरस्टार साथ सहेली, देखो तो सही क्या कर रही हो। हैं जी उर्मिला जी, आप जलेबी बना रहे हो या पराठों में छेद कर रहे हो? हैं रवीना, ये लड्डू है कि पत्थर है? ओए ये क्या कर रही है तू, इतना मोटा मोटा हार्ड लड्डू बना रही है? हेलमेट पहन के खाना पड़ेगा, नहीं तो 14 टांके लगेंगे सिर पे। महिमा जी आप दांत क्यों दिखा रही है, दांत अंदर करो। हाँ जी पागल कर दिया तुम लोगों ने, चर्बी चढ़ गई तुम सबको। नंदा साहब, मेरी चर्बी आ गई है। ओए नंदा साहब। ओए मेरी जनानी बोफर्स, क्यों गरज रही है यार तू? ए लो पैसे मंगाए थे ना। ओफो क्या हो गया चंचल रानी, मुंह कद्दू के कोफ्ते की तरह क्यों बना रखा है, प्रॉब्लम क्या है? आई लव यू डार्लिंग। चलो हटो, जब देखो हर महीने दो महीने तुम्हारे गांव से कोई ना कोई आ धमकता है, जैसे ये घर नहीं कोई धर्मशाला हो। 2-4 लोगों के आने से कार धर्मशाला थोड़ा ना हो जाता है? 25 साल पहले गांव छोड़ा था, तहजीब थोड़ा ना छोड़ी थी, इसलिए सबको मालूम है कि बंबई में 2 ही लोगों के दिल जो हैं वो उनके घरों की तरह बड़े हैं, एक तरमंदर का पंजाब हाउस और एक बलराज नंदा का नंदा हाउस। आई लव यू डार्लिंग, फिक्र मत कर। ओ आ गया मेरा गोविंद पुत्र, आजा आजा पुत्र, आजा पुत्र। ओ आओ जी। पता तो यही है। ओए पते वाला भी वही है, गांव से सरपंच जी का फोन आया था। ओए सजनी, ओ आजा आजा पुत्र। चाचा जी पैरी तरह जुदर है, यात्रा में तेरी जर्नी बनी तो ठीक रही ना? हाँ ठीक रही। ये रत्ना, ये रत्ना जुदा है, मेरे पुत्र है। गुड 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 गुड। ओए सजनी सामान ले जाए इनका, भाई सामान का लगे ले जाए इनका। ओए रजनीकांत के डुप्लीकेट, तेरा पाड़ा शाड़ा कितना हुआ भाई? आधा जगह का रेट फिक्स है, मेरा बाड़ा 66 है। चाचा जी ठग रहे हैं, स्टेशन से मीटर 30 रुपए ही दिखाता है। अपन मीटर से नहीं लीटर से चलता है, मिस्टर को मालूम है। मगर मुझे नहीं मालूम ना सजनी, इसका मीटर देख तू यार। हाँ जी चाचा जी, ऐसा तो मीटर ही नहीं आएगा। ऑटो में मीटर था जब बैठा सवारी, जब उतरा सवारी तो ऑटो मीटर से खाली, वापस करते मेरे मीटर। आप तो लीटर के हिसाब से चलते हैं, फिर मीटर की क्या जरूरत? ए, वापस करते मेरे मीटर मुझको, नहीं तो एक झापड़ में भेज दूंगा पंजाब तुझको। क्यों मिल गया बड़ा? काय को पूरा पंजाब मिलके मद्रास को हैरान करता, मस्करी मालूम नहीं, बाड़ा नहीं देने का तो नहीं देने का,
मेरा मीटर वापस करना बाबा, मेरा मीटर वापस करना। देखो कभी किसी से ज्यादा लेना नहीं, लेकिन हक के पैसे कभी छोड़ना भी नहीं, समझे? चलो मीटर दे दो, लो लो। कमाल कर दिया यार, जो मैंने काम पिछले 25 साल में नहीं किया तूने 5 मिनट में कर दिया यार। वाह जी वाह। ओ लो जी, ये इस घर की मालकिन है, नाना पाटेकर पर गई है। चलो नमस्ते करो जी। पैरी पहना जी। ठीक है ठीक है। पैरी पहना जी। इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा। चलो पुत्र तेरे को तेरा कमरा दिखा दो। आओ जी आओ जी। अरे ओए नंदा साहब, काम धंधे पे जाना है कि नहीं? कमरा सजनी दिखा देगी। हाँ जी हाँ जी, काम धंधे पे जाना बेटा, तुसी आराम करो, रात को डिनर पे खाना शाना खाएंगे, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जाओ जी, दिखाओ कमरा। कोई ऐसा रूम बता जो तेरा सिग्नल नहीं तोड़ा हो। फाइन, भरते भरते तेरे डैडी परेशान नहीं हो जाते? दीपिका का डैड बनना कोई मजाक नहीं है। यो, ये क्या हो रहा रजनी देवा? मीटर लगाता तो भाड़ा नहीं, मीटर निकालेंगे तो पैसेंजर नहीं। What to do, tell me? वो सारा पंजे बनने मेरे को ऐसा मारा, डर के मारे मेरे दाढ़ी के बाल नहीं निकल रहे। मेरे को अकेला मिलेगा ना, मैं उसको ऐसा मारेगा दाढ़ी क्या मूंछ के बाल भी नहीं निकलेगा। मेरे सजनी के सामने मेरे को मारा। अयो भाई साहब, ऑटो खाली है? ऑटो खाली ने तेरे को भरा लगता क्या? आपने तो मेरे को लाभ लगाया, मैंने मीटर लगाया। अच्छा चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अरे तुम्हारा ऑटो तुम्हारा, मीटर तुम्हारा, एक 4 लीटर पेट्रोल तुम्हारा। छोटू बिल ले आ। छोटू फास्ट फास्ट। छोटू जल्दी अपनी हाइट बढ़ा। कितना हुआ? छोटू तू अपनी हाइट बढ़ा, वरना ये लड़कियां तुझे छोड़ेंगी नहीं। पानी पानी रे, खारा पानी रे। ए ए ए, क्या हुआ क्या हुआ? हॉलर पैंट लीकिंग है। बैग चुरा के भाग रहा है। चल तेरी तो बहुत दिन से तलाश थी। ये आप में से किसी का बैग है? या इट्स माइन। थैंक्स सीसी, यू आर ग्रेट। दे कॉल मी गीतिका। नमस्ते, चलेंगे? बैठ 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 बैठ, मैं चलेगा, बैठ। आया क्यों गीतिका, तेरा सीसी तेरे से इम्प्रेस नहीं हुआ? अरे पहली मुलाकात थी ना, इसलिए अलग ही इम्प्रेशन दिखा रहा था। अगली बार मिलने दे, उसे मैं दिखाऊंगी। लेट्स गो। ओ कमाल हो गया, ये भी कोई स्टोरी नहीं है मेरे लिए। नहीं नहीं ओए गोविंद मेरे पुत्र, ऐसी लड़कियां ऐसे चोर तो इस शहर में 10,000 के हिसाब से मिलते हैं। तू लफड़ों में काय को पड़ता यार, तू मेरी केटरिंग कंपनी में काम करना यार। नंदा साहब खाते वक्त बात नहीं करते। ओए खाते वक्त डांटते भी नहीं है यार। हाँ जी बोलो। तुसी पहले रत्ना का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। ओ वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी बेटी सब कुछ करा देगी। बहुत बिजी रहती है, दिन में 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ते हैं। अभी देखना आती है 24 कहानियां सुनानी शुरू कर देगी। ओ मेरी बेटी की आवाज, ओ क्या आवाज है। ओए आ रहे हो पुत्र, आ रहे हो। ओ पुत्री डैडी, ओ पुत्री आई लव यू डैडी। ओ पुत्री पुत्री, ओ पुत्री, ओ क्या कमाल लग रही है, क्या कमाल लग रही है यार तू। अरे डैड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव व्हाट हैपेंड। ओ रियली, ओ थोड़ी रोटी खा लो। कम ऑन डैड, पता है आज क्या हुआ? एक चोर मेरा पर्स लेकर मोटरसाइकिल पर भागा। ओ इतना बड़ा रिस्क ले लिया उसने? अच्छा थोड़ी रोटी खा लो। डैड मैंने भी क्या स्टाइल से उसका पीछा किया, यू नो? क्यों खाम खा इतनी तकलीफ उठाई पुत्र तूने? थोड़ी रोटी खा लूं। व्हाट आर यू सेइंग डैड? भला आपकी मेहनत की कमाई मैं उसे कैसे ले जाने देती? ओ वाह, सुना सुना नाना पाटेकर, क्या बेटी के जज्बात है फिर? अरे फिर क्या डैड, मैंने उस स्पीडिंग मोटरसाइकिल से उस चोर को यूं उठा लिया और फिर पता है क्या हुआ? और फिर उसका रोना, पुलिस का आना, माफी मांगना और पैसे मिल जाना वगैरह वगैरह। यस डैड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट टेल मी ये सब आपको कैसे पता चला? ओ जो जो तेरे साथ हुआ वो सेम टू सेम गोविंद के साथ भी हो गया यार। गोविंद? हाँ,
Who's Govind, mom? Oh, Govind is the son of a friend of mine from Punjab who has come here and right now he is living with us and now absolutely at this stage he is dinnering and this is Mr. Govind. Namaste. Hi, Cici. How are you? Cici, मिर्ची लग रही है क्या? ये Cici क्या है यार? Oh, come on, Dad. Cici यानी cool cat. एक बार दोबारा बता. Cool cat? Cool cat. Oh, cool cat. तू अपने AK-47 को कब मिला यार? जी आज शाम को जो अरे आप खाना तो खाइए डैड कोई बैठने को बोलती कभी खड़े होने को क्या है ना डैड आज मैं इसे जानती हूँ कल पूरा आजाद नगर इसे जानेगा और परसों पूरी बम्बई कमाल है अरे डैड अगर हमारे कॉलेज में होता ना तो आज हमारा लीडर होता लीडर और लीडर की बहन को एक कॉलेज में एडमिशन करवाना है तू करवा देना यार बस एडमिशन्स नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन किस कोर्स में जी मुझे लॉ करना है लॉ तो मैं अपने कॉलेज में करवा दूंगी ऐसे एडमिशन इतनी जल्दी कैसे मिल गया तुमने कोई नई कहानी तो नहीं सुनाई ना अंदर कम ऑन गोविंद मतलब तो एडमिशन मिलने से था ना ओके ओके चिल रत्ना को एडमिशन अपनी टैलेंट की वजह से मिला है हैप्पी अब मिलाओ हाथ नमस्ते बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर चलो गीतिका क्या तुमने वाकई कोई कहानी सुनाकर एडमिशन करवाया और नहीं तो क्या तुझे लगता है मिड टर्म के बाद एडमिशन ऐसे ही मिल जाता है क्या अरे बोलना पड़ा तुम लोग कारगिल के रेफ्यूजी हो व्हाट कहीं भैया को पता चल गया ना अरे तेरे भैया को तो कुछ पता नहीं चलने वाला जिस दिन वो मुझे जान जाएंगे ना वो अपना हाथ खुद मेरी तरफ बढ़ा देंगे देख लेना कम लेट्स मीट माय फ्रेंड्स